बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज सर सऊद और मैं आपको अपने चैनल सऊद सॉल्यूशन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला और इसकी एक्सरसाइज है 8.4 और पेज नंबर है आपके पास 313 और इस पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 16। इसका सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहले पढ़ रहा हूँ कि फाइंड द इक्वेजन्स ऑफ दी टेंजेंस, इसका मतलब एक से ज्यादा टेंजेंट होंगे, दो टेंजेंस की इक्वेजन मालूम करनी है कम से कम। टू दी पैराबोला, पैराबोला की इक्वेजन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y पर व्हिच आर, यानी कि अब वो टेंजेंट के बारे में कह रहे हैं, टेंजेंट्स जो है व्हिच आर पैरेलल है एंड परपेंडिकुलर है टू द लाइन, एक लाइन की इक्वेजन दी है y इज इक्वल टू 2x + 6। अब पहला केस में कर रहा हूं, पहला केस कैसे कर रहा हूं, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y जो पैराबोला होता है इसकी डायग्राम कम से कम ऐसी बनती है, अपवर्ड डायरेक्शन। इस पर एक लाइन टेंजेंट t1 ड्रॉ की मैंने, इसका स्लोप m1 होगा, एक पॉइंट पर टच करता हुआ जा रहा है। अब वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है अभी मुझे मालूम नहीं है, ठीक है ना। अगर वो मालूम हो जाए तो मैं स्लोप निकालू और पॉइंट स्लोप लगाकर इसकी इक्वेशन मालूम करूंगा। मगर अब कंडीशन क्या है कि ये वाला टेंजेंट t1 एक लाइन l y = 2x + c पर क्या है, पैरेलल है। अच्छा जी, अब देखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपने लिखा x² = 4y, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 4y का डेरिवेटिव 1 और बैलेंस करने के लिए dy/dx लगाएंगे। 4 मल्टीप्लाई करेगा इधर आगे डिवाइड करेगा, dy/dx is equal to 2x/4, 2 1 2 4, dy/dx is equal to x/2 के बराबर हो जाएगा। Let m1 be the slope होगा of tangent t1 का to the parabola 1 पर, 1 पर, ठीक है, डायग्राम में नजर भी आ रहा है। तो आप क्या करोगे, m1 बराबर dy/dx is equal to x/2 और m1 स्लोप आ गया x/2 के बराबर। अच्छा जी, अब क्या कंडीशन, कंडीशन ये वाली इस्तेमाल करेंगे जो पैरेलल है एक लाइन पर, तो हम लिखेंगे लेट m2 बी द स्लोप ऑफ गिवन लाइन y इज इक्वल टू 2x + c, और याद करें आपके आपके पास 2.5 एक्सरसाइज कराई थी तो मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कराई थी, तो देखिए क्या ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से नहीं मिली, इट इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू, अगर इसका स्लोप m2 है तो y इज इक्वल टू m2x + c2, तो m2 की वैल्यू क्या आ गई 2 के बराबर, कंपेयरिंग अबव m2 क्या आ गया 2 के बराबर आ गया। अच्छा, अब ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल, तो 2 चैप्टर को याद करिए पैरेलल एंड कंडीशन आएंगे, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन m1 और m2 आपस में बराबर होगा, m1 क्या है x/2, m2 क्या है 2, तो x/2 इज इक्वल टू 4, 2 2 टू द 4 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 4, इसको उठाकर पुट इन 1 में डाल दीजिए, 1 में, तो क्या होगा 1 इज समराइज्ड एट 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 16, y इज इक्वल टू क्या हो गया 4, तो आपने इसकी मदद से क्या मालूम कर लिया, सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट का और पैराबोला का, क्या आ गया पैराबोला एंड टेंजेंट लाइन इज p, सपोज कर लिया 4, 4, क्योंकि x की वैल्यू भी 4 आ रही है यहां पर और y की वैल्यू भी 4 आ रही है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया। अब हमें इसका स्लोप की वैल्यू मालूम नहीं, अब देखिए m1 is equal to x/2 था, तो हमने लिखा m1 is equal to x/2, x की वैल्यू क्या है 4, 4 रिप्लेस की 2 टू द 4, तो m1 क्या आ गया इसका स्लोप आ गया 2 के बराबर। अब इक्वेशन मालूम करिए, तो हेडिंग डालेंगे फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t1 एट पॉइंट p पर 4, 4 पर यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 is equal to m into x - x1, ये बेटा x1 y1 हो गया और m1 किसका हो गया 2 हो गया, ये रिप्लेस करें y - 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x - 4, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x - 2 फुल आई, अब तमाम टर्म्स को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो 2x - y ये -4 हो जाएगा, +4 हो गया, माइनस के 8 में से प्लस का 4 गया -4, तो 2x - y - 4 इज इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t1 की। ये वो केस डिस्कस किया है कि अभी वो टेंजेंट लाइन इस गिवन लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा, अभी परपेंडिकुलर का केस बाकी है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको परपेंडिकुलर का केस बता रहा हूं।
तो स्टूडेंट अब हम इसका परपेंडिकुलर का केस करेंगे। मैं यहां तक इसको रिमूव कर रहा हूं और यहां पर ये देखिए ये मैंने इसको डायग्राम चेंज कर रहा हूं। अब ये जो टेंजेंट होगा ये इसको टच करता हुआ जाएगा और सामने वाले पे परपेंडिकुलर होगा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया। अब इसके लिए मैं क्या काम करूंगा, कुछ मैं जगह पे चेंजिंग कर रहा हूं वो आपने करनी है। अब देखिए लेट M2 M1 की जगह मैं M2 सपोज करूंगा, ठीक है, या बल्कि इसको कर ले M1 ही रहने दे इसको, लेट M1 और स्लोप ऑफ द टेंजेंट टेंजेंट T2 सपोज कर लीजिएगा इसको, ये टेंजेंट हो गया T2 के बराबर। टू द पैराबोला 1 पे M1 is equal to dy upon x, ये सेम ऐसे ही रहेगा, तो M1 जो है x upon 2। अब आपको वही तकरीबन सारी चीजें वही रहेंगी, सिर्फ यहां पे तब्दीली आएगी कि आपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और यहां पर यूजिंग अब परपेंडिकुलर कैसे आ जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन। तो M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा और M1 जो है x अपॉन 2 के बराबर होगा और M2 2 के बराबर होगा और इज इक्वल टू माइनस वन, 2 से 2 कैंसिल और x की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन। अब हमें जो है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा अपनी जो है गिवन इक्वेशन के ऊपर, और गिवन इक्वेशन जो है आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y थी, तो अब मैं इसको वहां पे पुट करता हूं और सिंपलीफाई करता हूं। तो देखिए यहां पर के पुट इन वन, पुट इन वन करूंगा और वन इज इंप्लाइज दैट और माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई और यहां पे स्क्वायर वन हो गया फोर वाई और वाई की वैल्यू आ गई वन अपॉन फोर। अब मैं पॉइंट ऑफ जो है कॉन्टेक्ट के लिए बात करता हूं, सो अब पी के बजाय मैं क्यू का नाम दे दूंगा, क्यू माइनस वन वन अपॉन फोर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पैराबोला एंड टेंजेंट टी टू, ठीक है। अब स्लोप कैलकुलेट कर लें, M1 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है माइनस वन निकाली थी तो x अपॉन टू ये हो जाएगी माइनस वन अपॉन टू फॉर इक्वेजन ऑफ टेंजेंट t2 एट q पॉइंट पे माइनस वन और वन अपॉन फोर पे। अच्छा अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्मूला आऊंगा, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब देखिए स्टूडेंट्स ये एक्स वाई वन और एम आपके पास आ चुका है तो वाई माइनस का वाई अपॉन फोर इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू एक्स माइनस माइनस प्लस वन। अच्छा अब ये टू माइनस हाफ जो है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पे बाकी मान लिया सोल्यूशन कर रहा हूं उसका, वाई माइनस का वन ओवर फोर इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू एक्स और माइनस का वन अपॉन टू। अब देखें
टू और फोर, इसका एलसीएम क्या आ गया, फोर आ गया, फोर से थ्रू और मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय फोर, फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर वाई हो गया, यहाँ फोर से फोर कर माइनस वन, यहाँ पे फोर आएगा, टू टू जो फोर माइनस का टू एक्स, माइनस फोर आएगा टू टू जो फोर, इसको इधर शिफ्ट करें तो टू एक्स प्लस का फोर वाई माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस का फोर वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास बी द रिक्वायर्ड इक्वेजन ऑफ टेंजेंट टी टू आ गई, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको दोनों केस करने होंगे एग्जाम में, क्योंकि उसने दोनों ही केस पूछे हैं, पैरेलल लाइन कंडीशन वाला और परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन वाला। इस सवाल के कई मेथड हो सकते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी से भी बास असतत डायग्राम कराते हैं, इसको इस डेरिवेटिव मेथड से भी किया जा सकता है, तो मैंने आपको ये मेथड प्रिस्क्राइब किया है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम अपना आज का वीडियो लेक्चर एंड करते हैं, इंशाल्लाह ताला नए सवाल के सॉल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सब सॉल्यूशंस, इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।